आपका स्वागत है सामना लाइव न्यूज चैनल में। मैं राजीव खान, चलते हैं खबर की ओर। एसएएफ जवान के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। पत्नी ने दो सहेलियों के साथ मिलकर की थी एसएएफ जवान की हत्या। पुलिस ने किया खुलासा। चुनरीन से गला घोटने के बाद मोपेड पर सहेली संग लाश को ले गई थी ठिकाने लगाने। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एसपी अमित सिंह ने बताया कि ये हत्या सामाजिक ताना बाना व रिश्तों में आई दरार का नतीजा थी। एसएएफ जवान राकेश बैन का रिश्तेदार की युवती और एक महिला से अवैध संबंध थे। इसको लेकर पत्नी दुर्गा से आए दिन उसका विवाद होता था और वह पत्नी की पिटाई करता था। रोज रोज की मारपीट से तंग आकर उसकी पत्नी दुर्गा अपने दो सहेलियों के साथ मिलकर हत्या कर दी। राकेश बैन की कल लगभग 4:30 बजे ये सूचना मिली खमरिया थाने को कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है ओएफ के गेट नंबर 1 पे। हमारे सीएसपी साहब और टीआई खमरिया वहाँ पहुँच गए थे। ये डेड बॉडी जो थी वो अनआइडेंटिफाइड थी। पहला टारगेट था इसको आइडेंटिफाई करना। हमारे टीआई की और सीएसपी की हिकमत अमली से हमने बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई कर लिया और ये पता चला कि ये राकेश बैन की डेड बॉडी है। उसके बाद हमने राकेश बैन के परिवार के लोगों से पूछताछ की, स्पेशली उसकी वाइफ दुर्गा से। पूछताछ में जो चीज़ें समझ में आई कि कई चीज़ें वो छिपा रही थी और उसके बेटे के जो बयान थे उसमें कंट्राडिक्शन थे। इस पर हम लोगों ने फोकस किया। उसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक ऑडियो क्लिप भी मिली जिसमें वो अपने वारदात को एक्सेप्ट कर रही कि उसने वारदात को किया है। उसके बाद हमने पुख्ता सबूत होने के बाद उससे पूछताछ की, उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस घटनाक्रम में उसके साथ उसकी बहन काजल, एक नाबालिग बच्ची जो सामने रहती थी, उसका भी मर्डर करने में पूरा योगदान था। दूसरे दिन डेड बॉडी को डिस्पोजल में दुर्गा की जो माँ है सुकरानी, उसने भी सहयोग किया था। इसलिए 201 का मुलजिम उसे भी इस केस में बनाया गया है। चारों आरोपी अरेस्ट हो गए हैं। आज हम उनका पीआर लेंगे और जो भी और एविडेंस होंगे उनका कलेक्शन करेंगे। चुन्नी जिससे उसको गला घोटा गया था वो भी जब्त कर लिया गया है। वो स्कूटी जिसे लेकर उसे ओएफ के गेट नंबर 1 पे फेंका गया था वो भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विवेचना में ले लिया। सर, वजह क्या है? वजह बहुत ही स्पष्ट है। जैसा कि पूछताछ में बताया कि पति शराब पी के मारपीट करता था और 28-29 की दरमियानी रात शायद कुछ ज़्यादा हो गया था और इसी क्रम में आक्रोश में आके गुस्से में आकर उसने वारदात किया है। लेकिन अभी पूछताछ करने में, ये उसका वर्जन है, पूछताछ करने में और चीज़ें स्पष्ट होंगी। हमने और चीज़ें कलेक्ट किए हैं, स्पेशली उसके व्हाट्सअप चैटिंग, तो उस पर भी हम फोकस करेंगे कि कोई और एंगल तो नहीं है। अपने जो एक्सेप्टेंस में उसने ये स्वीकार किया है कि झगड़े के कारण आक्रोश में आके उसने हत्या की।